The ages of 2% differ by 20 years. If 5 years ago the elder, यानी कि एक elder और दूसरा younger, तो हम इनके नाम रख लेते हैं elder और younger. इनकी एज का डिफरेंस, यानी कि एल्डर बड़ा होगा तो हम यंगर को छोटे को उसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 20 ईयर. 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले एल्डर की एज में से 5 माइनस, यंगर की एज में से भी 5 माइनस. 5 ईयर अगर हो गया, द एल्डर वन विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज द यंगर. तो ये हमने इसको 5 टाइम ओल्डर कर दिया. Their present ages in years are respectively. अब इन दोनों की ages बतानी है, यानी कि elder और younger की. दोनों के equations को solve करते हैं. तो पहले इस equation को देखें तो e minus 5 is equal to 5y minus 25. यहाँ से e की value आती है y plus 20, माइनस वाई इधर जाकर प्लस हो गया. अब इस वैल्यू को हम ई में डाल देते हैं, यानी कि ये ई की जगह आ जाएगा वाई प्लस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 5y माइनस 25. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इस y को इधर ले आए और 25 को इधर, तो हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 5 प्लस 25, ये माइनस इधर आकर प्लस हो 5y माइनस y, ये प्लस y था इधर आकर माइनस y हो गया. अब हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 40. 40 इज इक्वल टू 4y. तो y की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 40/4 इज इक्वल टू 10. तो यंगर की एज हमारे पास 10 आती है और ये दो ऑप्शन, ये और ये पॉसिबल होंगे क्योंकि इन्हीं में 10 दिया गया है. अब हम एल्डर की एज लेते हैं, तो एल्डर की एज है e इज इक्वल टू यंगर की एज 10 प्लस 20. अब हमने y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है तो e इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 हो गया और ये 30, तो e की वैल्यू हमारे पास आती है 30. तो आंसर हुआ d, जिसमें 30 और 10 का पेयर दिया हुआ है क्योंकि एल्डर की एज 30 और यंगर की एज 10. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी.